हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग या एक्सेप्शन क्या होती, कैसे होती। ठीक है, तो अभी तक हमने दो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं यार। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ पर आप आइए और इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करिए। यहाँ बीवी भाई को अभी मत देखना, ठीक है, बाद में देख लेना इनका जो भी है, जो कुछ भी लेटेस्ट एपिसोड आ रहे हैं इनके। राइट, अभी यार यहाँ पर आना प्लेलिस्ट पर आप, और प्लेलिस्ट में आने के लास्ट में जाओ जहां पर हमने दो वीडियोस को अपलोड करके रखा है। तो पहले आप उन दोनों वीडियोस को देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग पर जावा में, तभी आपको ये वाला वीडियो जरूर समझ में आएगा, क्योंकि ये वीडियो उसी के कंटिन्यूशन में है। तो आप पहले उनको देख लो, तभी आप ये समझ पाओगे। तो आज के लिए हम देखते हैं, अभी तक हम लोग देखिए पढ़ रहे थे कि अनचेक्ड एक्सेप्शन को किस तरह से हैंडल करना है। उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक बनाते हैं, जिसमें हमने ये दो कैटेगरी वाले देख लिए थे। आज चलिए हम लोग समझते हैं कि इस तरह से हम किस तरह से एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। अभी तक जो भी हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम बनाया था, ये पिछले वीडियो का प्रोग्राम है, हमें पता है कि यहाँ पर एक्सेप्शन आ रही थी। तो यहाँ पर जब एक्सेप्शन आ रही थी तो जावा अपने से हमारी उस क्लास का थ्रोएबल क्लास का किसी भी थ्रोएबल क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके थ्रो कर रहा था, और वो थ्रो कर रहा था। तो हमने कई सारे यहाँ पर कैच ब्लॉक बना के रखे थे। तो अभी मैं यहाँ पर हटा देता हूँ बहुत सारे कैच ब्लॉक, और फाइनली ब्लॉक भी मैं हटा देता हूँ। आपको समझ में आ गया फाइनली ब्लॉक क्या है। तो यहाँ से जावा एक ऑब्जेक्ट बना करके थ्रो कर रहा था थ्रोएबल क्लास का, जो यहाँ पर कैप्चर हो करके यहाँ पर हम लोग मैसेज को प्रिंट कर रहे थे। अब यहाँ पर हमें एक्सेप्शन को थ्रो करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सेप्शन को थ्रो करूँ। हमें जावा का जो डिफॉल्ट वाला थ्रो मैकेनिज्म है एक्सेप्शन को थ्रो करने का, वो मुझे नहीं चाहिए। तो अभी यहाँ पर एक्सेप्शन को हमें थ्रो करना है। मैं काम करता हूँ, मैं इन दोनों लाइन को ना मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक्सेप्शन को थ्रो करना है, तो हम लोग यूज करेंगे इस थ्रो कीवर्ड को। क्या करेंगे? थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे। तो जब भी हमें एक्सेप्शन को थ्रो करना होगा, हम लोग थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे। और अब हम लोग थ्रो कीवर्ड का यूज करके एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। तो एक्सेप्शन को थ्रो करने से मतलब क्या है? जावा क्या कर रहा था? जावा एक थ्रोएबल क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके थ्रो कर रहा था। तो थ्रो करने के लिए हमने थ्रो कीवर्ड यूज कर लिया, और अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसके आगे। तो ऑब्जेक्ट हम कौन सी वाली क्लास का बनाएंगे? किसी ना किसी थ्रोएबल क्लास का, जो ये वाली क्लास यहाँ पर है। तो अभी मैं यहाँ पर लेट से मैं न्यू का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैं लिखूंगा न्यू अरिथ, मैं लिखता हूँ ओके, न्यू स्पेस अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जो थी उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पर थ्रो कर दिया है ना। तो अभी ये वाली एक्सेप्शन, यानी कि इस तरह से जो जावा था वो कोड लिख रहा था, वो कोड कब लिख रहा था? जब हमारे इस प्रोग्राम में डिवाइड बाई जीरो की एक्सेप्शन अकर हो रही थी। तो हमने क्या किया, उस लाइन को हटा दिया है। एक्सप्लिसिटली हमने क्या किया कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना करके उसे थ्रो कर दिया। तो थ्रो कीवर्ड क्यों यूज हो रहा है? अगर हम कोई भी एक्सेप्शन को थ्रो करना चाहते हैं तब। अब क्योंकि यहां से ये थ्रो होगा, अब अगर ये थ्रो हो रहा है तो यहां पर हमारा कैच मैकेनिज्म है। तो ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहां पर कैच हो रही है, तो यहां से ये थ्रो होगा और यहां पर कैच हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पर कैच ना होता, कैच ना होता तो पहली बात यहाँ इधर आती है, क्योंकि अगर हम फाइनली ब्लॉक नहीं लिखेंगे तो फाइनली मैं ऐड कर देता हूँ ओके यहाँ पर, और मैं इसके अंदर एक सिंपल सा मैसेज दे देता हूँ, सिंपली फाइनली ब्लॉक यहाँ पर ओके। हमने यहाँ पर फाइनली ब्लॉक लगा दिया। अब बताओ कि क्योंकि यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होगी और हमने कैच ब्लॉक नहीं बनाया है, तो जावा का डिफॉल्ट वाला कैच मैकेनिज्म चलेगा। और अगर जावा का डिफॉल्ट वाला मैकेनिज्म चलेगा तो हमारी इस आईडी ने इतना एडवांस है कि डिटेक्ट कर लिया कि ये वाला कोड तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि ये एक अनरीचेबल कोड है, इसको आप रिमूव कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से रिमूव ही कर देता हूँ है ना। अगर हम ये कोडिंग नोटपैड पे कर रहे होते तो भी वहां पर हम लोग कंपाइल करते तो अनरीचेबल कोड की हमें इरर आती, ठीक है। तो यहां से देखिए अभी हमारा क्या करेगा, हम थ्रो तो कर रहे एक्सेप्शन को, लेकिन हमारा डिफॉल्ट वाला कैच मैकेनिज्म चलेगा, यानी कि ये वाला आवर यूजर थ्रो एंड डिफॉल्ट कैच। तो देखिए मैं यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ, इसको मैं प्रिंट करता हूँ। देखिए यहाँ पर स्टार्ट फाइनली ब्लॉक चला है और अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पर प्रिंट हो गई है। लेकिन वेट अ सेकेंड, इसके आगे जो पहले मुझे मैसेज मिलता था डिवाइड बाई जीरो इरर,
वो नहीं मिला है ना। उसका रीजन ये है क्योंकि हमने यहाँ से इसके कंस्ट्रक्टर, देखिए हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट अगर हम बना रहे हैं तो अरिथमेटिक क्लास में जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, तो वहां पर हमने कुछ पास नहीं किया, इसलिए हमें यहाँ पर मैसेज नहीं मिल रहा है। कुछ भी मैसेज यहाँ पर देखिए नहीं मिल रहा है आगे, जो हमसे हमें जैसे हमें पहले मिला करता था, है ना। और हमने आपको एक बात बताई थी कि जो ये थ्रोएबल क्लास होती है इसके अंदर एक स्ट्रिंग वेरिएबल होता है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को रखते हैं, तो जब जावा थ्रो कर रहा था तो वो हमारी एक्सेप्शन से रिलेटेड जो पर्टिकुलर मैसेज हुआ करता था वो जावा हमारे इस स्ट्रिंग वेरिएबल में रख दिया करता था, और बाद में उसे प्रिंट कर देते थे हम लोग, या जावा प्रिंट करता था, तो इसलिए हमें मैसेज मिलता था। अभी हमने, क्योंकि हमने थ्रो कर दिया तो जावा तो थ्रो नहीं करेगा ना, क्योंकि हमने थ्रो कर दिया, अगर हमने थ्रो कर दिया तो यहाँ पर हमने कुछ मैसेज भी नहीं पास किया है, इसलिए हमें वहाँ मैसेज नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर मैसेज लिख देता हूँ, मैं अपने से लिख देता हूँ, लेट से डिवाइड बाई जीरो, डिवाइड बाई जीरो, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सिंपली मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर, लेट से मैं यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पर यूजर थ्रो। अब ये पूरा पूरा THROW, अब ये पूरा पूरा एज अ मैसेज सेट हो जाएगा। मैं फिर से रन करता हूँ, जावा का डिफॉल्ट मैकेनिज्म चलेगा और लिखे दिखा प्रिंट है डिवाइड बाई जीरो यूजर थ्रो, है ना। तो ये हमारा थ्रो है, यूजर का थ्रो है, लेकिन डिफॉल्ट वाला कैच चल रहा है। अब हमें डिफॉल्ट वाला कैच नहीं चाहिए यार, मैं खुद का अपना कैच बनाता हूँ, तो मैं फाइनली को हटा देता हूँ, ये हमारा कैच हो गया। और अगर हम उसे कैच बना रहे हैं, हम अरिथमेटिक ई वाला अपना इस तरह से कैच कर लेंगे, है ना, समझ में बात आई। मैं फिर से रन करता हूँ, देखिए स्टार्ट और फाइनली प्रिंट है, यहाँ पर फाइनली ब्लॉक इसलिए प्रिंट है क्योंकि हमने लिखा है फाइनली। मैं लिखता हूँ कैच, यहाँ पर ऐसे कैच लिखता हूँ, देखिए कैच ब्लॉक प्रिंट है, इसका मतलब जो यहाँ से सक्सेसफुल थ्रो हो रही है यहाँ पर वो कैच हो रही है। अब जो ये मैसेज हमने सेट किया था ये कहाँ है, अब ये मैसेज तो इस ऑब्जेक्ट में होगा ना, स्ट्रिंग वाला जो ऑब्जेक्ट है, अगर हमें उसकी वैल्यू चाहिए तो हम लगाएंगे सिस आउट और ई डॉट गेट मैसेज फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना। देखिए डिवाइड बाई जीरो यूजर थ्रो और यहाँ पर कैच ब्लॉक प्रिंट है, तो हम इस तरह से मैसेज भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी इरर मैसेज देना हो, है ना। जब हम लोग कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे ना, अपनी खुद की एक क्लास को हम लोग थ्रोएबल क्लास बना करके उस क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे, तो वहां पर भी हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग ये मैसेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है ना। तो यहाँ पर यार हमने सारी चीजें सीख ली हैं, मतलब जो भी था, जो कुछ भी एक्सेप्शन के बारे में होता है ना। अभी हम लोग सीखेंगे अपने अगले वीडियो में चेक्ड एक्सेप्शन के बारे में। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो चेक्ड एक्सेप्शन होती है कंपाइल टाइम पर ही पता हो जाएगा, और अगर कंपाइल टाइम पर पता हो जाएगा तो वो कंपाइलर हमें इरर भी देगा, और अगर कंपाइलर इरर दे रहा है तो उसे मुझे हटाना पड़ेगा इरर को, और इरर को हटाने से मतलब हमारा है कि ये जो चेक्ड एक्सेप्शन जनरेट होगी उसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा। अब या तो मैं हैंडल करूं चेक्ड एक्सेप्शन को, या मैं जावा प्रोग्राम को बोलूं कि भैया आप ही हैंडल कर लो डिफॉल्ट तरीके से, जैसे भी आपको हैंडल करना है। तो अगर हम हैंडल करेंगे तो वही यार ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे, जैसे हम लोग रन टाइम एक्सेप्शन को रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए करते थे। लेकिन जब हम लोग जावा को बोलेंगे कि आप हमारी चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करो, तो हम लोग वहां पर थ्रोज कीवर्ड का यूज करेंगे। तो थ्रो का यूज आज हमने देखा है, थ्रोज का हम लोग अपनी जब हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे तब हम लोग समझेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों, और आप एक्सेप्शन हैंडलिंग जो जावा में होती है वो बहुत अच्छी तरह से सीख रहे होंगे। थैंक यू।